कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिजनों के साथ आज पूरा देश एक साथ खड़ा है। सभी को गर्व है देश के जवानों पर गुस्सा भी है। पूरे देश से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, आतंकवाद खत्म हो और आतंकी को पालने वालों पर कार्रवाई हो। कश्मीर के अंदर जो आज आतंकवादियों के द्वारा हमारे 44 आरपीएफ के जवान की शहादत हुई है आतंकी हमले में, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस घटना की निंदा करती है और हम मांग करना चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस नीति बने और आतंकवाद को सफाया किया जाए। जब तक आतंकवाद को सफाया नहीं किया जाएगा, देश नहीं बचेगी। देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर खतरा है, इसलिए पूरा देश को एकजुट होकर आतंक के बाद के खिलाफ लड़ना होगा, उसको नष्ट नाबूद करना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में देश नहीं बचेगा, मुल्क नहीं बचेगा। इसलिए अभी लाश की राजनीति नहीं करनी है, हमें देश को बचाना है, आतंकवाद का सफाया करना है। पूरे देश में जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हमले में जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। वहीं इस घड़ी में विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है कि हमले में शहीद जवानों को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं।
जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। बहरहाल देश पाकिस्तान के द्वारा किए गए बार बार इन कायराना हरकतों से अब अजीज हो चुका है। देश की जनता अब सिर्फ बयानबाजी या निंदा नहीं सुनना चाहती, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई चाहती है, जिससे पाकिस्तान और वहां के आतंकवादियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिल सके जिससे आगे कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वाले ऐसी हरकत करने से पहले हजार बार सोचे। आवाज 24 न्यूज ब्यूरो पूर्णिया। चौतालीस घरों की मासूम जिंदगियां आज हमारे बीच नहीं रही। पूरा हिंदुस्तान शोक की लहर में डूबा हुआ है। बच्चा बच्चा आज सिर्फ ये गुहार लगा रहा है सरकार से कि कड़ा अत्याचार पाकिस्तान पे किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी हरकत कभी दोबारा ना हो। और भारत सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपके मंत्रियों के काफिले निकलते हैं तो चार चार दिन पहले रोड की चेकिंग होती है। अगर जब पता था कि 2500 जवानों का काफिला निकलने वाला है तो उस समय रोड की चेकिंग क्यों नहीं की गई? और गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर के हैं, आप एक मिनट के बाद किसी बात पे अपना ट्वीट कर देते हो। अरे गवर्नर साहब, आपने तो बाई एयर जाना था आधे घंटे में, आप कश्मीर पहुंच सकते थे, क्यों नहीं पहुंचे? क्यों भारत सरकार का कोई मंत्री अभी तक कश्मीर नहीं पहुँचा? देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने घर तो रोटी खाने के लाले पड़े हैं और दूसरे के घरों में आकर आप जिंदगियां तबाह कर रहे हो। पाकिस्तान आंख खोल कर ये सुन ले कि जो किसी ने बात कही थी कि कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा, वो इतिहास अब भारत का युवा, भारत की आर्मी दोहराएगी। और भारत सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 45 जवान शहीद हुए हैं, 45 की कुर्बानी में पूरा लाहौर जलना चाहिए, तभी देश का युवा शांत बैठेगा। धन्यवाद। पाकिस्तान जिसके पास कुछ खाने को नहीं है और वो हमारे देश पे गोलियां और आतंकवादी हमले करवा रहा है, एक भूखा देश, एक लाचार हो चुका, जो खुद खत्म हो चुका है, जो खत्म होने की कगार पे आ चुका है, वो आज हमारे भारत देश पे हमले कर रहा है। हमारी भारत सरकार से ये अपील है कि एक बड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से दुनिया के